हेलो, मैं मीनाक्षी किचन से बोल रही हूँ। आज मैं तुम्हें आलू चावल की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने टमाटर लिए हैं, ये कटोरी काट के छोटे छोटे बारीक बारीक, और मैंने इसमें मसाला लिया है। इसमें मैंने मिर्च डाली है, लाल मिर्च, और मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और मैं इसमें नमक डाला है मैंने, और मैं दोस्तों इसमें गरम मसाला डाला है पिसा हुआ, जो मेरे पास घर का पिसा हुआ मसाला है। और मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाला है, और मैं जीरा और हींग, जीरा हींग, जब तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें जीरा हींग डालूँगी। हमारा तेल गरम हो चुका है और मैंने इसमें जीरा हींग डाल दिया है। उसके बाद मैं पेस्ट डालूँगी और मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी, चलाती रहूंगी जब तक ये अच्छी तरह से भुन ना जाए और इसमें अच्छा सा फ्लेवर ना आ जाए। देखो, ये हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और टमाटर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। और देखो, ये टमाटर भुन गए हैं और मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। आलू डालने के बाद मैंने इसे पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद मैं इसमें इसे चला रही हूँ। मैंने पूरा ढक्कन लगा दिया है, और देखो ये सब्ज़ी तैयार है। सब्ज़ी के साथ, आलू के साथ चावल भी तैयार है, और मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में बताना कि आलू चावल कैसे लगे। ये तैयार हैं आलू और चावल। देखो कितने सुंदर रंग आया है इन पर। और ये चावल हैं लंबे वाले।